था। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ। तो गाइस आज हम लोग बनाने लगे हैं आलू गोश्त, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑयल डाल रहे हैं, ये हमने 1 स्पून डाला, 2 स्पून, 3 स्पून डाल दो। और हम लोग स्पून कौन सा यूज़ करते हैं मैं आप लोग मैं बता देती हूँ। ये हम लोग करते हैं, तो गाइस अब हम लोग प्याज डालने लगे। हमने 2 प्याज ली है, तो 2 प्याज डाल दिए। डाल दी लाइट ब्राउन फ्राई कर दी, ठीक है। तो चलिए मैं करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को देखती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आलू भी अपने काट ली, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं ऑनियन फ्राई कर रही हूँ, जी आप देख सकते हैं। हम लोग आलू बस पकाने लगे हैं। तो गाइस मैं तो एक साइड पे ऑनियन भी फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ना, यानी कि मैंने खाना तो खाया था, लेकिन मुझे ना भूख लग रही है एकदम, ना मुझे भूख लगना शुरू हो गई। तो अब मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ और साथ चाय बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो सैंडविच की मैं आपके साथ रेसिपी स्टार्ट कर देती हूँ, यानी कि आलू गोश्त के साथ मैं आप लोगों के सैंडविच के साथ ही यानी कि कर देती हूँ इसकी, ठीक है। और ये हमने अंडा पानी और यानी कि जिस अंडे उबालते हैं वो हमने कर लिया, हम लोग उसको ये जो बीच वाले चूड़े हैं इसको हम लोग वो करने रखेंगे, उबलने रखें। तो ये हम लोग उबालने रख रहे हैं और एक साइड पे मैं रखती हूँ टी रखने लगी हूँ। अब मैं पत्ती चीनी डाल दूँ, तो ये मेरी चाय भी पक गई, उबाले आ गए, दो बार दूंगा। तो मैं अंडों को मैंने टाइम आउट कर दिया मैंने, ठीक है। और चाय ज़रा पक गई है, ब्रेड भी आ गई है, लेकिन अंडे जब पक जाएंगे तब मैं उसका सैंडविच बनाऊंगी। और चाय पहले पक गई है तो उसको मैंने स्टील की प्लेट से रख दिया, दूसरी रख दिया तो ख़राब हो जाती प्लेट। और प्याज भी मैं साथ साथ कर रही हूँ फ्राई। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्लाइस भी रख दी अपना, ठीक है। तो अभी स्लाइसेस है ना, पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खराब बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा भी। तो गाइस मैं चाय के स्टील के प्लेट में डाल दी, क्योंकि मैं स्लाइस खत्म होने वाला है। इनसे पहले भी उन्हें पानी पी दिया, क्योंकि चाय जब चाय पीने से प्यास लगती है। आप देख सकते हैं मेरा स्लाइस खत्म हो गया। तो गाइस मैंने चाय भी पी ली है और वो भी खा ली मैंने स्लाइस, और पानी भी पी लिया, पेट फुल हो गया। ये हम चिकन डाल रहे हैं, हमने चिकन डाल दिए इसके अंदर। अब हम लोग इसको मिक्स करने लगे हैं, बोटियाँ ना टूटे, यहाँ से करना है तो करना। तो ये आप देख सकते हैं चिकन करी, अब मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने आलू डाल दी है। तो गाइस अब हम लोग पानी डालने लगे हैं, और पानी डाले हैं। गाइस जब आप इसको उबालेंगे तब भी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। गाइस अब तैयार हो गया आलू गोश्त, यानी कि हमने दम दे दिया इसको और एकदम खुल गया। और उम्मीद है
आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।